मेरा घरों काम काज से फुर्सत नहीं मिली। कितनी दौलत कमाई है आपने, करोड़ों तो है आपके पास। मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ कि दौलत तो छोड़ दूं, लेकिन वही मेरा पीछा नहीं छोड़ती। कमाल है, दुनिया दौलत के पीछे भागती है और दौलत आपके पीछे भाग रही है। नहीं, 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 नहीं। मेरे पीछे ही नहीं भागती बल्कि मेरे साथ भी चलती है। बदमाशी नहीं छोड़ी आपने। इस साल आप बेंगलोर नहीं आई रेसेस के लिए? इस बार आपके घोड़े जीते या हारे? तीन दौड़ाए थे, तीनों हार गए। ओहो, तब तो आप बहुत हारे होंगे। हारा? कमाल करती हैं आप, 30 लाख जीत कर आ रहा हूँ। अरे अभी तो आप बोल रहे थे कि आपके घोड़े हार गए। राजकुमारी, आप तो जानती हैं कि मैं हारने वाले घोड़ों पर माल नहीं लगाता, चाहे वो मेरे क्यों ना हो। हेलो, हाय, कितने? हेलो साहब। हेलो राजकुमारी। हेलो। राजकुमारी जी, लीजिए एक खूबसूरत और कामयाब साल के नाम। ब्लडी हेल, जो क्यों नहीं आया? गाना कौन गाएगा, अपन का ग्रैंडफादर? अरे उसी ने तो अपन को भेजा है, अपन पहले क्लब में गाता था। लेकिन जो को क्या हो गया, साला एकदम बीमार कैसे हो गया? अरे बीमार नहीं हुआ, बाथरूम में डांस की प्रैक्टिस कर रहा था, पांव फिसल गया और टांग टूट गई। इडियट, तुम क्या नाम बताया? जेरी। अच्छा अभी गाओ, अगर अच्छा गाएगा तो परमानेंट जॉब देगा। कम ऑन। थैंक यू दोस्तों। नए साल की रात को हम सब सपने देखते हैं, नए साल के सपने, एक हसीन और रंगीन साल के सपने। मुझे नहीं मालूम आप सबके सपने क्या हैं, लेकिन मेरा सपना ये है। सपना
मंजिल तू ही मेरा सपना तू ही मेरी मंजिल फिर क्यों ना गुनगुनाऊं तेरे दिल को यूं ही जाऊं सबसे पहले मैं अपनी तलाशी दूंगा प्लीज कम दिस साइड लेडीज एंड जेंटलमैन आप इधर आइए प्लीज आप भी इधर आइए प्लीज राजकुमारी जी लीजिए मेरी तलाशी लीजिए रानी साहब देखिए असूल सबके लिए एक जैसे होते हैं आपको मेरी तलाशी लेनी ही होगी प्लीज कम ऑन आई एम सॉरी राजकुमारी जी आप मेरी भी तलाशी ले लीजिए प्लीज नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं सब एक हाथ जमाकर मांगा थोड़ा सी लगा अरे साहब चला फाइट थोड़ा तुम ये क्या बदतमीजी है तुम कौन हो अपन का नाम जो है यहाँ गाता है जो अरे मैंने अपन तो सुना तुम बाथरूम में गिर गया तुम्हारा टांग टूट गया किस साले ने बोला वो तुम्हारा कजन जिसे तुम इधर गाने को भेजा साला तुम अपन को बुलाया तुम जानता अपन को अरे एशिया के सबसे बड़े सिंगर को कौन नहीं जानता होटल जा रहे हैं क्या हाँ अपन होटल जा रहा है मगर बहुत लेट हो गया साला कोई टैक्सी नजर नहीं आता आओ मैं छोड़ देता हूँ ओह थैंक यू कम
अपन जब होश में आया तो फुटपाथ पर पड़ा था और गिटार गायब था। अपन सीधा टैक्सी पकड़ कर इधर आया। ओह माय गॉड, कहीं वो मेरा नेकलेस लेके तो नहीं गया? ब्रावो ब्रावो ब्रावो, कंग्रेचुलेशंस, हैप्पी न्यू ईयर ब्रदर। कल रात तो मैं भी चकरा गया था कि तुम उस खिड़की से नीचे कैसे उतरे। 20 फ्लोर से उतरना बहुत मुश्किल होता है क्या? ठीक है मत बताओ, लेकिन एक बात जरूर पूछूंगा। कल रात मैंने तुम्हारी तलाशी ली थी, नेकलेस तुम्हारे पास नहीं था, कहां छुपाया था? लगता है बंबई में हमारे पैर जरूर जम जाएंगे। पहला दाव तो इतनी आसानी से लग गया, ऐसे दो चार हाथ और लग जाएं तो मैं नहीं करूंगा। व्हाट? क्यों नहीं? मैं बोर हो चुका हूं। ये कोई काम है जैसे बच्चे के हाथ से खिलौना छीनना? इतना आसान? जब काम आसान होता है तो मैं बेपरवाह हो जाता हूं। बेपरवाही का मतलब तो तुम जानते ही हो, जेल। इसलिए दिल्ली में मैं पकड़ा गया होता, पता नहीं कैसे बच गया। ये छोटे मोटे काम मैं नहीं करूंगा। बस इतनी सी बात है? चलो अब की बार तुम्हें एक ऐसा काम देते हैं कि तुम भी क्या याद रखोगे। एकदम नामुमकिन। नामुमकिन का मतलब क्या होता है? उसी का मतलब समझा रहा हूं ब्रदर। सेठ तुलसीदास ने बंबई के एक ज्वेलर को अपनी बेटी की शादी के लिए 35 लाख की ज्वेलरी का ऑर्डर दिया है और वो ज्वेलरी कल शाम को सेठ साहब के हवाले की जाएगी। और मैं छीनकर भाग जाऊंगा, इसमें नामुमकिन की क्या बात है? अगर बंदूक लिए हुए चार गार्ड साथ में हो तो भी। बदलना बहुत पुरानी ट्रिक है। क्या बकवास कर रहे हो राणा? अरे वो देखो, उस लड़की के कंधे पर बैग दिख रहा है और ये बैग तुम्हारा और एप्पल। जा बॉलिंग करो। जगह नहीं भाई, गाड़ी छोड़, पीछे दूसरी बस आ रही है। भाई साहब ऐसा मत करिए, पत्नी अंदर और पति बाहर। जब पत्नी आगे होती है पति पीछे होता है, ऐसा ही होता है, हमेशा साथ रहना चाहिए। चल अंदर। आपकी बड़ी मेहरबानी।
टिकट बोलिए। दो टिकट लास्ट स्टॉप। एक टिकट चंदन टॉकीज। जी मैंने टिकट ले ली, आपके लिए भी ले ली है। आपने क्यों ली? जी वो क्या है कि वैसे मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं सच बोलूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बोलिए। जी वो बात यह है कि मुझे बस पकड़नी थी। आपकी माँ बहुत बीमार है। आपको कैसे मालूम हुआ? ओह शट अप, ऐसे बहाने में रोज सुनती हूँ। आप कोई स्कूल टीचर नहीं क्या? प्लीज कंडक्टर। अरे ये आप क्या करिए, टिकट तो मैं ले चुका हूँ ना, ये आपके लिए, मेरे लिए? नो थैंक यू, मैं किसी का एहसान नहीं लेती। ये लीजिए। एक बात बताइए, वो आपको पति जी क्यों कह रहा था? कौन है आपकी पत्नी? पति जी कह रहा था? पति जी कैसे कह सकता है, और मुझे भतीजी कह रहा था, मेरा चाचा लगता है। भाई की लड़की को भतीजी कहते हैं, लेकिन आप तो। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ओ प्लीज मुझे जाने दीजिए। जरूर जरूर, मुझे भी यही उतरना है। आइए आइए। चोट तो नहीं आई? नहीं मैं ठीक हूँ, आपको चोट तो नहीं आई? चोट तो आई है, लेकिन अंदरूनी दिखाई देती। मेरा बैग, वो मेरा है ही, आपका बैग। यही तो सारी मुसीबत है। मुसीबत क्यों? मेरे बैग में तो फल है। मेरे बैग में भी फल है, लेकिन मेहनत में। ये लीजिए। थैंक यू। मेरा नाम जेरी, आपका? अनु। बाय। ऐसा लगता है आप वहीं जा रही हैं जहाँ मुझे जाना है। आप मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हैं? अच्छी चीज, अच्छे लड़के कभी लड़कियों का पीछा करते हैं? उनके साथ चलते हैं ऐसे। अब आप कहेंगे मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। आपको किस मालूम? बदमाश लड़कों के सारे बहाने जानती हूँ। बाय बाय। कविता, कविता, ढूंढ रही हूँ। बस मैं आ ही रही थी, मुझे मालूम था तुम आ गई हो। जैसे अलार्म बंद हुआ तो मैं समझ गई अनुपमा देवी आ गई। अलार्म? कैसा अलार्म? अलार्म नहीं समझी, म्यूजिक। मुझे मालूम था तुम आते ही बंद कर दोगी। और दरवाजा बंद करके क्यों नहीं आई? अनु मालूम है क्या हुआ, सुबह जब मैं बीच पर आई थी तो कोई नहीं था, सोचा यही मौका है दौड़ लगाने का, तो लगा ली दौड़। मैं पूछ रही हूँ तुम घर क्यों खुला छोड़कर आई? वही तो बता रही थी, जब मैं सुबह दौड़ लगाने के लिए आई थी तो चाबी कहीं गिर गई। कमाल है, तुम तो फट से समझ जाती हो, तुम्हें तो सीआईडी में होना चाहिए। सीआईडी की बच्ची, कोई चोर घुसाता तो? अरे हमें कुछ नहीं मिलता तो चोर साले को क्या मिलेगा? हाँ अनु, क्या हुआ? चोर। हाँ? जल्दी चल। मैं समझा कि यहाँ कोई रहता ही नहीं है। कौन है आप? आप अंदर कैसे आए? अंदर? यहाँ, यहाँ बाहर से। ये चोर नहीं लगता। चोर? आप लोग मुझे चोर समझ रहे हैं? नहीं, वो बात ये है कि आप लोग ने पेपर में ऐड दिया था ना कि आधा बंगला किराए पे देना चाहती हैं, इसलिए मैं। पहले क्यों नहीं बताया? आप लोगों ने चांस ही नहीं दिया। आइए बैठिए ना। जी थैंक यू। लगता है आप यहाँ की मालकिन हैं, मिस अनुपमा। मैं कविता। जी बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलकर, मेरा नाम राज है, आनंद राज है। इतने बड़े बंगले में आप दोनों अकेली रहती हैं? अकेले क्यों, मैं 10 के बराबर हूँ। हाँ जी हाँ, वो तो दिखाई दे रहा है। डैडी की सारी जायदाद में से ये बंगला ही बचा है, और ये हम दोनों के लिए बहुत बड़ा है, इसलिए सोचा आधा किराए पर दे दूं। आई मैं आपको बंगला दिखा दूं। जी मैं देख चुका हूँ। कब? जब आपको ढूंढ रहा था। इतने दिनों के दिल्ली से आया हूँ, बंबई में फ्लैट देखते देखते थक गया हूँ। तो फिर आप ये पुराना बंगला देखने क्यों आए? वो मैं जमीन पे रहना चाहता हूँ अनुपमा जी, कविता जी। आपके कोई बीवी बच्चे हैं? नहीं, कहाँ का शर्मिंदा कर रही है। फिर आप किसी बैचलर को घर नहीं देते? आजकल कितने रेफरेंस चल रहे हैं, हम तो किसी फैमिली वाले को ही देंगे।
जी मैं भी फैमिली वाला हूँ, मैं अपनी माँ को यहाँ ले आऊंगा, बीबी यहाँ ढूंढ लूंगा। हाँ फिर ठीक है, आप काम क्या करते हैं? काम एक छोटी सी सरकारी नौकरी। इंस्पेक्टर राज आनंद फ्रॉम दिल्ली ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस ऑन स्पेशल ड्यूटी। इंस्पेक्टर आनंद पिछले हफ्ते दिल्ली से बंबई आए हैं, पुलिस फोर्स के उन नौजवान ऑफिसरों में से एक हैं जिन पर हम बुड्ढे भी गर्व कर सकते हैं। इतनी कम उम्र में ये बहुत से गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल ले चुके हैं। अब ये यहां एक डायमंड मेडल लेने आए हैं। डायमंड मेडल? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। बलसारा, ये छाती पर लटकाने वाला मेडल नहीं है, मेरा मतलब उस जौल थीफ से है जिसने सारे मुल्क के जौहरियों की आंखों से नींद चुरा ली है। 3 साल से बड़े बड़े शहरों में लूट मार कर रहा है, मगर अफसोस हमारे पास उसका हुलिया तक नहीं है। उसी को गिरफ्तार करने के लिए इंस्पेक्टर आनंद मुंबई आए हैं। ये बॉम्बे क्यों आए हैं, जबकि कुछ दिन पहले वो दिल्ली में था? जी हाँ, लेकिन जैसे ये केस मेरे हाथ आया उसने अपना निशाना बंबई को बनाया। वो यहाँ से कहीं और भी जा सकता है। अरे भाई, वो कहीं भी जाए, जब हमारे पास उसका हुलिया तक नहीं है तो पकड़ा कैसे जाएगा? मिस्टर वर्मा, मेरे ख्याल से किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए उसके हुलिये की नहीं होशियारी की जरूरत होती है। करेक्ट, आई अग्री विद यू इंस्पेक्टर। और होता ये सर कि पुलिस हमेशा उस वक्त पहुंचती है जबकि सांप निकल चुका होता है और सिर्फ लकीर बाकी रहती है। पुलिस अगर पहले से ही पहुंच जाए तो कोई क्राइम ही ना हो। लेकिन इस केस में पुलिस को पहले ही पहुंचना होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? सर, इस चिकनी मछली को पकड़ने के लिए हमें कीमती जाल लगाना होगा, वो भी जगमगाते हीरों का। जगमगाते हीरों का जाल? पर उससे क्या होगा? फिर वो हीरों के लालच में वहां आएगा जहां हम चाहेंगे। हेलो पार्टनर, क्या हो रहा है? क्वीन ढूंढ रहा हूं। अरे छोड़ो पार्टनर, ये क्वीन से तुम्हारे पास खुद ही चली आएंगी। जानते हो मैं तो तुम्हें बादशाह बनाने के चक्कर में हूं। क्यों, कोई नया चक्कर लाया? हां, एक बड़ी जबरदस्त खबर मिली है। अफ्रीका के मशहूर रमन भाई 1 करोड़ के अनफिनिश्ड डायमंड्स बंबई के जावरी बाजार में कटवाने और पॉलिश करवाने के लिए भेज रहे हैं। जाल भी तो हो सकता है। ये जाल नहीं, जिसने खबर दिया वो मेरा खास आदमी है। कोई और डिटेल्स? डिटेल्स? बाकी की डिटेल्स तुम खुद मालूम करो। वसंत? यस। कोई नई डिक्शनरी आई है? माल हरिदास ज्वेलर के पास आ रहा है। कब? ये तो पता नहीं। किससे पता चलेगा? पता नहीं। पहले पूरी इंफॉर्मेशन। आप बेकरी वाले लोगों से मिल लीजिए। उसका भाई हरिदास का ड्राइवर है। मैं उसे फोन किए देता हूं। भरोसे का आदमी है एकदम। क्या आपको उम्मीद नहीं थी कि हम फिर मिलेंगे? यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैं एक किताब लेने आया था। और आप? मैं भी किताब लेने आई थी। मैं मदद कर सकता हूँ? नहीं थैंक यू, बाय। तुम्हारा इनाम लोगो है? यस सर। बसंत ने जिस केक का ऑर्डर दिया था मैं उसे लेने आया। केक तो आजकल बहुत महंगा हो गया सर। कीमत की परवाह मत करो, माल अच्छा होना चाहिए। माल अगले हफ्ते आने वाला साहब। किस दिन, किस वक्त? ये तो मालूम नहीं। मालूम करो, इतने ही और आने वाले हैं। आप काफी हाउस में बैठिए, मैं अभी मालूम करता हूँ। ज्यादा देर ना हो। आप यहाँ भी? लगता है ये दुनिया बहुत छोटी जगह है। आप मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? पीछा? पीछे तो आप आई हैं मेरे। अजीब इत्तेफाक है। अब मैं कॉफी हाउस जाने वाला हूँ, क्या आप वहाँ भी आने वाली हैं? Oh my God, ये तो कमाल ही हो गया। मैं भी वहीं जा रही हूँ, अभी एक थर्मस चाय का ऑर्डर देकर आई हूँ। लगता है ऊपर वाला कोई चक्कर चलाने वाला है। क्या कहा आपने? अजी कुछ नहीं, चलिए तो फिर साथ चलते हैं। एक मिनट, मैं जरा पेस्ट्रीज ले लूँ। आपकी थर्मस और चाय। थैंक यू। कभी कभी एक अजीब सी बात होती है,
तो अजनबी मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को अच्छे लगते हैं, दोनों बहुत सी बातें करना चाहते हैं मगर दोनों ही चुप बैठे रहते हैं क्योंकि उनके समझ में ये नहीं आता कि पहले कौन सी बात की जाए। मुझे भी नहीं मालूम। ऐसा कीजिए, आप मुझे अपने बारे में बताइए। क्यों? इसलिए कि अब तक आपके नाम के सिवा मुझे कुछ नहीं पता। मेरी कहानी में आपको मजा भी नहीं आएगा। आप सुनाकर तो देखिए। स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ। माँ बाप का एक छोड़ा हुआ बंगला है जिसे आधा किराए पर दे रखा है। बस यही है मेरी कहानी। बड़ी मजेदार कहानी है। आप पहले आदमी हैं जिसने मुझसे ये कहा है। थैंक यू। ओहो, मुझे तो जाना है, बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कहाँ जाएंगे, आज तो इतवार है। इतवार मेरा वर्किंग डे है, मुझे बच्चों को लेकर पिकनिक पर जाना है, मैं चलती हूँ। हाँ एक मिनट, वेटर चेक प्लीज। बुधवार को शाम 4 बजे। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। थैंक यू सर। चलिए। बच्चे कहाँ गए? 10 बजे तक आपका रास्ता देखकर दूसरा टीचर उनको पिकनिक पर ले गया। अब क्या होगा? पिकनिक की इंचार्ज तो मैं हूँ, अगर मैं नहीं पहुंचे तो प्रिंसिपल मुझे फौरन नोटिस दे देगी। अगर मैं आपको बच्चों के पास 10 मिनट में पहुंचा दूं तो? थैंक यू। आइए। क्या आप हमेशा इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं? नहीं, कभी कभी जब मैं वक्त से आगे निकल जाने की कोशिश करता हूँ। वक्त से आगे क्यों? आप जैसे लोगों से मिलने का मौका कभी कभी मिलता है, इसलिए मैं जल्दी से आगे बढ़कर उसे रोक देना चाहूँ। तो आप बातें भी हमेशा ऐसे ही करते हैं? नहीं, हमेशा। हाँ तो मैं कह रहा था कि आपको जो कुछ कहना है आप बाद में कहिएगा, आके जरा रोड पर रखिए प्लीज। जो होगा। God. आप कहाँ रह गई थी दीदी? तुम लोगों के लिए चीजें लेने में देर हो गई। ये कौन है दीदी? ये जेरी अंकल हैं। हम खेल कब खेलेंगे दीदी? बस अभी खेलते हैं। आपने कहा था पहले गाना सुनाएंगी दीदी। गाना भी सुनाऊंगी दीदी। ये अंकल भी गाएंगे? हाँ ये भी गाएंगे, इनकी आवाज बहुत अच्छी है। मैं कहा? सुनाइए सुनाइए। सुना दीजिए ना प्लीज। ठीक है, लेकिन मेरे साथ आप सबको भी गाना पड़ेगा। अरे जी से घंटी बज रही है मेरे यार की, जी से घंटी बज रही है मेरे यार की।
बंदर। अरे मैं बंदर हूँ पर तुम टीचर हो बड़ी ही सुंदर। ए बी सी डी ई एफ जी। अरे जी से घंटी बज रही है मेरे यार की। अगर आप शुक्रिया अदा करने वाली हैं तो मत कीजिए। क्यों? शुक्रिया अदा करने वाला गैर लगता है और मैं आपको गैर नहीं समझना चाहता। अपना समझने का बहुत बहुत शुक्रिया। जगह तो अच्छी है, मालिक बड़ा बेढंगा लगता है। नमस्ते नमस्ते, ये कौन लड़का? माँ अंदर चले। हाँ हाँ चलो ना। आइए मौसी बैठिए। हाय राम,
ये मुई रेलगाड़ी ने तो मेरी हड्डी हड्डी हिला के रख दी। वाह वाह, पुराने जमाने की भी क्या बात थी मौसी। बैलगाड़ी में बैठ गए, जहाँ चाहे वहाँ पहुँच गए। ये रेलगाड़ी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। और नहीं तो क्या, देखा कितनी समझदार लड़की है। एक तू है कि तुझे पुराने जमाने की कोई बात अच्छी नहीं लगती। हाँ माँ, बहुत समझदार है, मौका देखकर जो बात करती है। और हाँ बेटी, यहाँ कोई धोबी रहता है, कपड़े बड़े गंदे हैं, उन्हें देना है। हाँ, कपड़े और बर्तन धोने के लिए एक लड़की आती है। तो कब आएगी? बस आती होगी मौसी, बस आती होगी। अच्छा अच्छा, और सुन तो, बाहर से सामान लेकर आए, को उठा के ले जाएगा। मैं अभी आई। हाँ अच्छा, लगता है मौसी के साथ मेरी अच्छी जमेगी। देखो ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना, कोई जोगा का समझ में नहीं आया ना तो सिचुएशन बड़ा ड्रामेटिक हो जाएगा। वो प्रशांत है ना? प्रशांत? हाँ, वो मेरा बचपन का दोस्त। हाँ। उसकी तो बोलती बंद कर देती थी। हाँ। अच्छा ये बताओ, ये सामान कहाँ रखे? मेरे कमरे में। और तुम? मैं अनु के साथ सो जाऊंगी। अरे पहले कमरा तो देख लो, चलो आओ। अब ये कमरा तुम्हारा। क्या देख रहे हो? फूल। अरे ये फूल तुम नहीं जानते? ये वही फूल है जो हर तस्वीर में मलिका नूर जहां के हाथ में होता है। तो ये गुड़िया तो मुमताज बेगम की होगी। ये तो मेरी है, मेरे बचपन की साथी। सब कहते हैं इन्हें फेंक दो। क्यों फेंक दो? कोई बूढ़ा हो जाता है तो फेंक दिया जाता है क्या? और ये तो मेरे साथी है। माँ और बाबा के मरने के बाद अनु के पिताजी ने मुझे सहारा दिया था, फिर वो भी चल बसे, तो मेरा कौन रह गया था अलावा इन गुड़ियों के। पिछले कई बरसों से कहती आई है, कविता तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। इन्हें देखो, ये मेरी फेवरेट हैं, मीना कुमारी। अरे यार तुम तो ऐसे सुन रहे हो जैसे मैं कोई भाषण दे रही हूँ। नहीं, वो मुझे मेरा दोस्त प्रशांत याद आ गया है। वो भी तुम जैसी बातें करता है, मेरा बचपन का दोस्त है, बेचारा चल नहीं सकता है, उसकी टांगे नहीं है। ओह, और वो मेरी जैसी बातें करता है? वो भी तुम्हारी तरह अपने दुखों को हंसी में उड़ा लेना जानता है। मैं जरा कचरा तो साफ कर लूं। अभी तो तुम कह रही थी कि बहुत कीमती चीजें हैं ये अखबार। नहीं यार, कीमती चीजें तो सभी जमा करते हैं, ये फूल, ये पत्थर, ये घास, ये तो बहुत मामूली है, इसलिए मैं इन्हें जमा करती हूँ। हाँ, मामूली चीजों का कोई तो कदरदान होना चाहिए, है ना? हाँ, वैसे मुझे भी मामूली चीजें बहुत पसंद हैं। ओह, रियली? सब कुछ इसी तरह रहने दो, मैं इन्हें बदलना नहीं चाहता। लेकिन अब ये कमरा तो तुम्हारा है। चलो सामान ले आते। चलो। ए ए ए! बन ठनके अभी आ रही है, ये समय आने का है। जी माँ जी, मैं बकवास बंद कर। मैं तो सोच रही थी बम्बई इतना बड़ा शहर है, नौकर नौकरानी अच्छे मिलेंगे, लेकिन यहाँ भी वही हाल है। चल अंदर चल। अरे अंदर चल। हाँ, सीधी सीधी अंदर आ। ए देख, ये कपड़ा है और ये साबुन, अच्छी तरह धोना। मगर मैं चुप रहा। अरे माँ। ठहर बेटा, मैं नौकरानी को काम समझा रही हूँ। ये अनु है। अनु? इस घर की मालकिन। हराम। I'm sorry अनु। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इसी बहाने मौसी की सेवा करने का मौका तो मिला। जीती रहो बेटी, उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। गोरा चिट्टा खूबसूरत है, लेकिन सीधा सादा। काला रंग उस पर बहुत अच्छा लगता है। ब्लैक नहीं, वो हल्के रंग बहुत पसंद करता है। आप भी तो मार्केट जाओ ना, तो उसके लिए एक क्रीम कलर का स्कार्फ ले आना। गाता बहुत अच्छा है, बड़ी प्यारी आवाज है। गाता बहुत अच्छा है? तुम किसकी बात कर रही हो? हाँ, तू किसकी बात कर रही है? राज की। तुमने सुना नहीं कहाँ पहुंची हुई थी? मेरा सारा ध्यान तो बच्चों की कॉपियों में था। ए, बंडल मत मार। बता, ब्लैक कलर किस पे सूट करता है? बता। किसी पे नहीं। अच्छा, तूने बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया और मुझे बताया भी नहीं? बता। अरे छोड़ ना। कौन है वो? थोड़े दिन ठहर जा, अपने आप पता चल जाएगा। सच? 1, 2, 3 मेरा नाम लिखा है। ओफो, ये बात है। हाँ। एक बार और हो जाए। नहीं नहीं नहीं, जाने दो। क्यों? मैं बच्चों के साथ नहीं खेलता, ये बच्चों का खेल है। बच्चों का खेल? हाँ। है? तो क्या हुआ, समंदर के बड़े पन के सामने सभी बच्चे होते हैं।
अगर मैं कभी होता तो कहता, समुंदर भी तुम्हें उतना ही चाहता है जितना कि मैं। वो क्यों? तुम्हारे पांव जो चूम रहा है। तुम्हारे भी तो चूम रहा है। हाँ, मजबूरन। मजबूरन क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी करने वाले सब खड़ूस होते हैं। मैं तुम्हें खड़ूस लगता हूँ? और नहीं तो क्या? तेरी तो मैं समंदर के इतने पास रहते हुए पानी से घबराती हो? समुंदर के ज्यादा पास नहीं जाना चाहिए, डूबने का डर रहता है। डूबने में जो मजा है वो तैरने में नहीं। आप भी कभी डूब कर तो देखिए। कितनी बार डूब चुके हैं आप? पहली और आखिरी बार जिस दिन आपसे टकराया। सच कहता हूं, आज तक आपकी इन आंखों की गहराई से निकल नहीं सकी। निकलने की कोशिश की तो मैं आंखें बंद कर लू। मेरी आंखें बंद है, मैं खोल रहा हूं। ये खोल दिया मैंने। कहां गई? इतनी बड़ी हो गई लेकिन अभी तक बचपना नहीं गया। क्या करूं, जवान होने को मन ही नहीं करता। क्यों? जब तक कोई नौजवान ना मिल जाए, जवान होने से क्या फायदा? तो कोई नौजवान ढूंढ क्यों नहीं लेती हो? हाँ, ढूंढ लूंगी किसी न किसी दिन, जिस तरह अनु ने ढूंढ लिया। चंदन के
यहाँ होंगे, ये सारे इलाके को कवर करेंगे। नाइस अरेंजमेंट। लगता है इस बार तुम्हारे ज्वेल थीफ का बचना मुश्किल है। आई एम कीपिंग फिंगर्स क्रॉस सर, बस एक बार वो हरिदास ज्वेलर्स में आ जाए। गुड लक। चार बजने वाले हैं और अभी तक किसी का पता नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं? देखो ब्रदर, अगर कहीं कोई गड़बड़ हुई होती ना तो हमें फौरन पता चल जाता। एक बात जो मुझे परेशान कर रही है वो ये है कि हीरे आएंगे कैसे, उन्हें लाएगा कौन? ओफो, तुम फिक्र मत करो, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। कम ऑन रिलैक्स। देखा वो डाकिया, वो डाकिया काफी वक्त से यहां घूम रहा है मगर कहीं लेटर नहीं मिलता, तो उससे क्या? डाकिया, ओ गॉड यस, सॉरी अनु, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया तो शायद मेरा दम घुट जाए, न जाने तुम क्या जवाब दोगे, मगर बताना बहुत जरूरी है, पता नहीं फिर वक्त मिले ना मिले। ऐसी कौन सी बात है अनु? मैं जिंदगी भर खतरों से खेलता रहा हूं, खतरा जितना ज्यादा हो उसका सामना करने में मुझे उतना ही मजा आता है, मगर आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आराम चाहिए, एक घर हो जो मेरा हो, जिसमें प्यार हो, भरोसा हो, और उसी भरोसे के लिए मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता हूँ। मेरी समझ में तुम्हारी एक बात भी नहीं आ रही अनु। बात यह है कि मैं अनु, अनु मैं फिर आऊंगा, तो मेरा इंतजार कर, लेकिन इस वक्त मेरी खातिर कहीं कहीं छिप जाओ प्लीज।
लाश निकलेगी। पहले तो मैं समझी किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है, इतने में पुलिस की जीप आई, उसमें से धाम से राजू निकला। अरे राजू, अपना राजू, मालूम है ना, वो पुलिस इंस्पेक्टर है। वो चोर के पीछे रिवॉल्वर लेकर भाग रहा था, और चोर साला भी इतना चालाक निकला, वो तो पानी के अंदर घुसता ही चला गया। पता नहीं वो जिंदा है भी या नहीं। अन्नू, अगर वो चोर समंदर की बजाय हमारे घर की तरफ चला आता तो हम क्या करते? हमारे पास तो रिवॉल्वर भी नहीं है। आपने बताया नहीं आप पुलिस में हैं। वैसे मैंने आपसे कुछ छुपाया नहीं, क्योंकि इस बात का कभी जिक्र हुआ नहीं, इसलिए मैंने बताया नहीं। लाश मिल गई? मिली तो नहीं, लेकिन मिल जाएगी, क्योंकि समंदर अपने अंदर किसी चीज को ज्यादा देर छुपा नहीं सकता। आपने मुझे बुलाया सर। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर आनंद। किस बात की? लगता है बॉम्बे में तुम्हारा मिशन पूरा हो गया। नहीं सर, मिशन अभी पूरा हुआ नहीं। क्यों? ज्वेल थीव तो मारा गया, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली है? और मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि वो मर चुका है। अनु, धोखा क्यों दिया? खुद को चोर कहना बड़ा मुश्किल है, चोरी करने से भी ज्यादा मुश्किल, और वो भी एक ऐसी लड़की के साथ जिसका प्यार उसे। शट अप, तुम शब्द का मतलब भी नहीं जानते। शायद नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूं, खुद को बदल सकता हूं, तुम जो भी कहो बन सकता हूं। चले जाओ यहां से। अनु, अनु मैं हमेशा ऐसा नहीं था, और ना ही मैं हमेशा तक ऐसा रहना चाहता हूँ, मैं बदल जाना चाहता हूँ। अनु मैं... चले जाओ यहाँ से, और फिर यहाँ कभी मत आना। बताना क्या हुआ? बताई क्या रोती रहेगी? तुझे नौकरी से निकाल दिया है क्या? बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया? शराब, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम बुरा मान गई? मैं तो मजाक कर रही थी। फिर कभी ऐसा मजाक मत करना। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? शट अप, तुम इस शब्द का मतलब भी नहीं जानते। चले जाओ यहां से, और फिर यहां कभी मत आना।
तलाश करो। अरे राजू तुम तो आज तो इतनी जल्दी कैसे आया? ऐसे ही माँ। इले तार आया है, मेरी तो समझ में नहीं आया अंग्रेजी में लिखा है। किसका है? अरे हाँ प्रशांत आ रहा है माँ। क्या? हाँ प्रशांत आ रहा है। कब? अरे आ गया होगा। माँ तुम तार पकड़ो, मैं एयरपोर्ट भाग रहा हूँ। मेरा प्रशांत आ रहा है। दुबला नजर आ रहा ना? दुबला और मैं? हाँ। अरे मौसी आज सुबह मैंने एयरपोर्ट पे वजन करवाया था। हाँ। और जानती हो कार्ड पे वजन की जगह क्या लिखा था? क्या लिखा था? एक वक्त पे एक आदमी चढ़िए प्लीज। मौसी मुझे दुबला कह रही हो तुम? बस बस दूसरों का दिल भला कर अपना दिल भलाने के लिए भी तो किसी को ले आ। अरे मैं तो तैयार हूँ मौसी, वैसे एक मिली भी थी पर लास्ट मिनट पे कहने लगी कि मैं ऐसे आदमी के साथ कैसे जीवन भर चल सकती हूँ जिसके पैरों की जगह पहिए लगे हों। बकवास बंद कर, पहले हाथ मुंह धो, मैं खाना लगाती। अरे वाह मौसी तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। ये इंडियन एयरलाइंस वाले किराया बढ़ा रहे हैं और खाना पीना कम कर रहे हैं। मौसी भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ, जल्दी। हाँ, मैं अभी लगाती हूं। मां मैं भी खाऊंगा। हाय राज। हाय। आपकी तारीफ? अरे हाँ ये मैं कविता हूँ। और ये प्रशांत? मैं प्रशांत। भाई आज तक तो कविता सुनकर खुशी होती थी मगर आज देखकर उससे भी ज्यादा खुशी हुई है। आपके बारे में जो कुछ सुना था सच था? देखिए सच भी कई तरह के होते हैं। जैसे गवाह ने अदालत में कहा योर ऑनर मैंने सच बोलने की कसम खाई है मगर जब भी मैं सच बोलने की कोशिश करता हूँ ये वकील कहता है ऑब्जेक्शन। चलिए खाना लग गया। अरे वाह खाना लग गया। आपकी तारीफ? ये है अन्नू मेरी बहन। नमस्ते मैं राज का दोस्त प्रशांत हूँ। बड़ी शर्मीली है। वैसे शर्मीली लड़कियां मुझे बहुत पसंद हैं। आप दोनों ने वो किस्सा सुना है? तुम वहां से चली क्यों आई? बड़ा मजा आ रहा था। ये प्रशांत है ना, बड़ा अजीब कैरेक्टर है। कहानी पे कहानी जोक पे जोक सुना रहा था। कह रहा था एक लड़की है जो अक्सर काले पेंटिंग बनाया करती थी। काला घर, काला चेहरा, काले पत्ते। जब लोगों ने पूछा तुम काली पेंटिंग क्यों बनाती हो तो उसने कहा ना जाने मेरी जिंदगी का रंग कौन चुरा ले गया। ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? हाँ। कुछ नहीं यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। लगता है वो चोर मुझसे भाग रहा है। मैं बेंगलोर पहुंचा तो वो दिल्ली चला गया, मैं दिल्ली पहुंचा तो वो यहाँ आ गया, तो मुझे भी यहाँ आना पड़ा। यही करना चाहिए था। अरे वैसे कोई भी शरीफ चोर पुलिस वालों से दोषी तो करता नहीं है और फिर तुम तो खास तौर से उसे पकड़ने के लिए अपॉइंट किए गए हो। चलो देखते हैं कब तक भागता रहेगा, कभी ना कभी तो पकड़ ही लूंगा। जरूर पकड़ना। वैसे मैंने एक चोर को पकड़ लिया है। चोर को? तूने? कौन से? चित चोर। चित चोर? तेरा एक कविता का क्या चक्कर है? कविता चाचा छोड़ पकड़े गए ना। अरे हम आके पहचानते हैं बेटे, देखते ही पहचान गए थे कि कौन है। आप यहाँ क्या कर रही है? सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आई, घुटन सी महसूस हो रही थी। क्यों? नहीं मुझे ऐसा लगा जैसे कि हमारी कोई बातें सुन रहा है। वो मैं ही थी लेकिन आपकी बातें नहीं सुन रही थी। तो आइए अंदर आइए ना, प्रशांत की बातें सुनेंगी तो आपका मूड भी चेंज हो जाएगा। प्रशांत बाबू आपके पुराने दोस्त हैं? पुराने? वो मेरा बचपन का दोस्त है। कहाँ रहते थे? दिल्ली में रहता था लेकिन एक्सीडेंट के बाद वो शिमला के सैनिटोरियम में शिफ्ट हो गया। कब हुआ था एक्सीडेंट? ये कोई 2 साल पहले। तो वो अब चल फिर नहीं सकते? और वो भी जिंदगी भर के लिए। कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ होगा। कैसे हुआ था एक्सीडेंट? ये उस दिन की बात है
जब प्रशांत मुझसे मिलने आया था और फिर उसने जो मारा उसको। अरे सवाल सवाल कमाल है यार, नौकरी मुझे मिली है, नशा मुझे होना चाहिए, नशा तेरे को हो गया। ये दारू का नशा नहीं है मेरे यार, ये दोस्ती का नशा है, दोस्ती का। राइट, जो दारू से ज्यादा तेज होता है, समझे? समझ गया। चल बैठ, घर चलते हैं, बैठ जा। आगे बैठेगा पीछे? मैं पीछे। बैठ जा। एक्सपर्ट्स को दिखाया, वैद, हकीम, लेकिन सबका कहना यही है कि प्रशांत अब कभी नहीं चल सकेगा, कभी नहीं। क्या उनके पैर बिल्कुल ही कुचल गए? कमाल की बात तो यह है कि प्रशांत के पांव देखने में बिल्कुल ठीक है, पर समझ में नहीं आता क्या हुआ है। खैर छोड़ो, मैं भी क्या बातें लेके बैठ गया, और प्रशांत के पास चले। अरे भाई, तू चोर को पकड़ने गया या चोर ने तुझे पकड़ लिया है? नहीं वो, ये तो अपनी अनुपमा देवी हैं। सुबह आप मुझे देखकर भाग क्यों गई थी? मेरी शक्ल इतनी डरावनी है क्या? नहीं तो चलिए, इसी बात में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कल। अरे यार, तुझे तो पता है जब तक मैं कहानी सुना, कहानी सुनूंगी लेकिन कल। लो फंस गई, हो गई, ये आपकी कहानी सुनेंगे। हाँ साहब, रात तो जैसे तैसे गुजर गई। पत्नी ने सोचा कि सुबह पूछेंगे। पतिदेव जब सुबह उठे तो पत्नी ने बड़े प्यार से पूछा, क्यों जी? वो रात को नींद में किसे पुकार रहे थे? पतिदेव घबरा गए और उनका किसे पुकारा था भाई? पत्नी ने कहा, नींद में किसी डेजी का नाम ले रहे थे। कौन है डेजी? पतिदेव की तो छुट्टी हो गई, उनकी चोरी पकड़ी गई। लेकिन आदमी होशियार था, उसने अपने आप को संभाला और कहा, अजी वो डेजी तो वो घोड़ी का नाम है, कल मैं रेस में गया था, 10 रुपए लगाया और 100 रुपए मिल गए, ये 50 रुपए तुम्हारे। साहब ने 50 रुपए दिए और चल दिए। अब हुआ क्या साहब, शाम को पतिदेव बड़ी खुशी खुशी घर लौटे तो पत्नी ने कहा, अजी सुनते हो, आपको घोड़ी याद है डेजी, जिस पे आपने 10 रुपए लगाए थे? पति ने कहा, हाँ याद है, क्या बात है? पत्नी ने कहा, कुछ नहीं, उस घोड़ी का फोन आया था। घोड़ी का फोन आया था। कैसे गिरा, कैसे, क्या हुआ था? गलती मेरी ही है राजू, मैं ही नहीं यहाँ तक ले आई। वो तो ठीक है, लेकिन गिरा कैसे? अरे राजू, आज पहली बार मुझे अपनी कहानी का कदरदान मिला है, सच मुझे तो मजा आ गया। अरे मैंने क्या सुनाई और इन्होंने क्या सुनी कि दोनों अपने होश खो बैठे और पता नहीं कब। बकवास बंद कर, अगर कुछ हो गया होता तो क्या हो जाता? और फिर राजू, किसी भी कहानी को इससे अच्छा अंत और क्या मिल सकता है? बस 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 बस, आपने मुझे बुलाया सर? आनंद बैठो।
अरे भाई एक मुसीबत आ रही है। मुसीबत? अरे वही हीरे का एग्जीबिशन। बैठो, अगले हफ्ते टोक्यो से यहां शिफ्ट हो रही है। गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि सिक्योरिटी में कोई कमी न रह जाए। अजीब चक्कर है ये भी, दुनिया भर के लखपति करोड़पति आएंगे, हीरे की तरफ देख के चिल्लाएंगे ओ लवली ओ ब्यूटीफुल और चले जाएंगे, और यहां पर एक हफ्ते तक जान पर बनी रहेगी। लगता है सर आप इस एग्जीबिशन से खुश नहीं है। हूं बिल्कुल हूं। पुलिस का काम है लोगों की जान और माल की हिफाजत करना, इन पत्थर के टुकड़ों का नहीं। और जो लोग हीरे रख सकते हैं तो उनकी हिफाजत के लिए गार्ड भी रख सकते हैं। बात तो ठीक है सर, लेकिन किया क्या जा सकता है? दैट इज द प्रॉब्लम, कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने सिक्योरिटी के लिए तुम्हारा नाम लिख दिया है। मैं सर, मेरे हाथ में तो ऑलरेडी ज्वेल थीफ का केस है। कैसी बातें करते हो आनंद, अगर उसकी लाश नहीं मिली इसका मतलब यह कि अभी तक जिंदा है। अगर वो जिंदा होता तो 4 महीने तक बैठा रहता, कोई ना कोई केस जरूर करता। ही इज डेड, फॉरगेट हिम। आपका कहना ठीक है सर, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप ये केस किसी और को दे दें तो नो, क्लोज दिस फाइल इमीडिएटली, दिस इज माय ऑर्डर। एक्सक्यूज मी सर, इस फिल्म का क्या करेंगे जो भाईदास केस में ली गई थी? कोई थिएटर खाली हो तो लगा दो। जी जी हाँ, जब केस ही बंद हो गया है तो इस फिल्म का क्या करेंगे? कीप इट इन द शोरूम। यस सर। छोटेलाल। यस सर। मैं इस फिल्म को एक बार और देखना चाहता हूँ। एक बार और देखेंगे सर? इतनी बार तो देखिए कि अब देखने की जरूरत ही नहीं है, आंख बंद कर लो फिल्म चालू। हाँ छोटे लाल, लेकिन क्या करें, इस केस को बंद करने के लिए मेरा मन नहीं मान रहा है। एक आखिरी बार देख ही लेते हैं छोटे लाल, शायद कोई ऐसी चीज हो जिसे कैमरा ने देखा हो और हमारी आंखों से चूक गई हो। छोटे लाल स्टार्ट करो। ये राणा जैसा नहीं लग रहा है, ज़ूम आगे करो। यस सर, ये तो राणा ही है। ये यहां क्या कर रहा? लगता है बताना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर, मैं उस बिल्डिंग में किराया वसूल करने गया था। किराया? आप जैसे बड़े लोगों को किराया वसूल करने जाना पड़ता है? ऐसा अब तक कोई कानून नहीं बना इंस्पेक्टर जो मकान मालिक को किराया वसूल करने से रोक सके। मैं कानून की बात नहीं कर रहा हूं मिस्टर राणा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हो या ना हो, लेकिन पुलिस वालों को सिर्फ कानून की बात करनी चाहिए इंस्पेक्टर। सॉरी मिस्टर राणा, मैंने आपका बहुत वक्त जाया किया, फिर कभी मिलेंगे। लेकिन इंस्पेक्टर, अगली बार जब भी आओ जरा होमवर्क करके आना। होमवर्क करके आओ। उस एरिया में उसकी 6 बिल्डिंग्स हैं और वहां वो किराया वसूल करने गया था। मुझे बेवकूफ बना रहा है। छोटे लाल सर, मैंने तुमसे क्या पूछा था, जब ज्वेल थीफ ने चोरी की थी राणा कहां था? सर मैंने पता कर लिया सर, एग्जैक्टली कहां था ये तो नहीं कहा जा सकता, मगर सर ज्वेल थीव ने जिस शहर में हाथ मारा उस वक्त राणा उसी शहर में था। हाँ उसी शहर में? तुम्हारा मतलब है दिल्ली कलकत्ता मद्रास बेंगलोर बॉम्बे? यस सर, इन सब जगहों पर डाके वाले दिन राणा साहब वहां मौजूद थे। थैंक यू छोटे लाल। यू वेलकम सर। अब मैं राणा से पूछूंगा कि वो इन शहरों में क्या कर रहा था, किराया वसूल कर रहा था। सर मैं इतना नहीं हूं बुद्धू। क्या मतलब? मैं पहले ही पूछ चुका हूं सर, राणा साहब वहां अपने बिजनेस के सिलसिले में गए थे। उनका बिजनेस क्या है ये तो पता नहीं सर।
छोटे लाल, तुम राणा पर नजर रखो जी। उसकी कोठी के चारों तरफ आदमी फैला जी। और मुझे उसकी एक एक मिनट की खबर चाहिए। यस सर। लो, एक और बादशाह आ गया और अब तीन बादशाह हो गए। अगर फ्लैश चल रही होती ना तो तुम लोगों के घर नीलाम करवा देता मैं। हाँ अरे घर बाद में नीलाम कराना, पहले पत्ता फेंको। अच्छा तो ये लो कविता, तुम भी क्या याद करोगी। ये किसको चाहिए? अरे वैसे मौसी, तुमने बादशाह फारूक का नाम सुना है? ये कहाँ का बादशाह था? इजिप्ट के बादशाह थे और ताश के शौकीन। एक दिन क्या हुआ कि ताश की बाजी चल रही थी, फारूक हार रहा था और सामने वाला जीत रहा था। हारते हारते उनकी हालत खराब हो गई, लेकिन राजहट तो राजहट, वो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं। आखिर झुंझलाकर सामने वाले ने शो करवा लिया, तो बादशाह ने बड़े शान से दो बादशाह निकाले और टेबल पर फेंके और कहा तीन बादशाह। सामने वाले ने कहा हजूर, ये तो दो बादशाह हैं, तीसरा बादशाह किधर है? चांदी और फारूक ने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि है ना बादशाह वाली बात। बस अब होने ही वाली हूँ मैं, तैयार हो जाओ तुम लोग। हाँ पंजा छक्का सत्ता, लो भाई शो हो गया। अरे वाह बेईमानी बेईमानी, ये पत्ते कहाँ से है मौसी? अरे मुझे क्या मालूम। अरे मौसी तुम्हारे हाथ में ही तो है। अरे पत्ते खेलते खेलते मेरे बाल सफेद हो गए, लेकिन मैंने कभी एक पत्ते की भी बेईमानी नहीं की। मौसी झूठ बोल रही है। तू झूठ बोल रही है? आप झूठ बोल रही है। क्या बदतमीजी है कविता, बड़ों से ऐसे बातें नहीं किया करते। तुम जरा बड़ों को भी तो देखो, पत्ते चुरा कर शो कर दिया। वाह मैं नहीं खेलती, जाओ एक तरफ सोई छोड़कर तुम लोगों का मन बहलाओ, ऊपर से चोर कहलाऊं। अरे खेलो ना मौसी, बड़ा मजा आ रहा था। चलो मैं एक और कहानी सुनाता तुम्हें। मुझे नहीं सुननी तेरी कहानी। अरे लेकिन मौसी तीन में खेल का मजा नहीं आएगा। ये लो आ गए चौथे। अरे आइए भाई साहब, आपके पुलिस डिपार्टमेंट में ताश खेलना सिखाया जाता तो आ जाइए। तुम लोग खेलो मुझे काम है। अरे लेकिन प्रशांत, ये आपके दोस्त को पुलिस इंस्पेक्टर किसने बनाया? जब देखो फाइलों में घुसे रहते हैं, इन्हें तो क्लर्क होना चाहिए था। क्लर्क? हाँ अब फिर। अच्छा तो भाई इन पुलिस वालों के ऊपर मुझे एक कहानी याद आ गई। जा रही हूँ। कब आई तुम और कहाँ जा रही हो? समंदर में डूब मरने। समंदर में? ये एकदम से तुम्हें क्या हो गया? कमाल है यार, एक अच्छी भरी लड़की तुम्हारे सामने 32 सेकंड से ज्यादा खड़ी है और तुम इन बसुरत फाइलों से अपना थोड़ा नहीं हटाते। इससे तो अच्छा मैं डूब मरूं। देखो मुझे तंग मत करो, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। मैं भी तो काम कर रही हूँ, तुम्हें परेशान करना बहुत जरूरी है। इसी बात है तो परेशान कर लो। ये शुरुआत है, अब क्या कर लोगे? एक मोटा सा डंडा लेकर मैं तुम्हारी इतनी पिटाई करूंगा कि नानी याद आ जाएगी। फैंटास्टिक, मुझे भी मेरी नानी की शक्ल याद नहीं है। डंडा लाओ। कविता प्लीज। क्या हुआ, पीटने से पहले थक गए? कविता क्या चाहिए तुम्हें, बोलो ना, क्यों तंग कर रही हो? बता दूं? फौरन। तुम्हें विश्वास नहीं होगा। विश्वास? तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करूंगा तो किसकी बातों पर करूंगा? एक सच बात बताऊं, मैंने तुम जैसे अनोखी लड़की आज तक नहीं देखी। कब क्यों कहा किस वक्त क्या बोल देती हो, अपने को तो कुछ समझ में, वो क्या बोलते हैं बॉम्बे लैंग्वेज में, खोपड़ी में कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तुम व्हाट? मैंने कहा था ना तुम्हें यकीन नहीं आएगा। हंसो हंसो हंसो, बात ही हंसने की है, तुम क्या करोगे? तुम जाओ मैं काम करता हूँ। छी, क्या रोमांटिक मूड बन रहा था, तुमने सब चौपट कर दिया। तुमने कभी कोई प्रेम कहानी पढ़ी है? प्रेम ऐसा करते हैं क्या? ये कहानी नहीं कविता, जीवन है, सचमुच का जीवन। मुझे जीवन नहीं चाहिए राजू, थोड़ी देर के लिए इसे कहानी में क्यों नहीं बदल देते मेरे लिए, प्लीज। मौसी, एक महा
महर्षि ने कहा है कि सच्ची मित्रता के लिए साथ बैठकर चाय पान करना बहुत आवश्यक है। अच्छा, कौन थे वो महर्षि? मैं और कौन? आप महर्षि? क्या देख रहे हैं आप? महर्षि का दूसरा चमत्कार, आपके फोटो पे हंसी। आपके सामने कोई चुप रह सकता है क्या? अरे बेटी, बचपन से ऐसे ही आंखों पर रोतों को हंसाना इसका काम है। मैं कभी कभी उदास हो जाती थी तो कुछ ऐसी बातें कह देगा कि हंस हंस के मेरे पेट पे बल पड़ जाते। लेकिन अब बेचारा भगवान ने हंसते को रुला दिया है। और रोने पे मुझे याद आया, मौसी तुमने वो बच्चे का किस्सा सुना है जो रोज शाम समुद्र के किनारे जाकर रोया करता था? चल हट, मुझे नहीं सुनना। मुझे सुना दीजिए। हाँ, तो साहेबान कदरदान हुआ यूं, एक बच्चा था और वो रोज समुद्र के किनारे जाकर शाम को रोया करता था। एक दिन उसका दोस्त आ गया और उसने उससे पूछा, अबे चुन्नू क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है? उसने कहा, तू भी रोना शुरू कर दे। उसने कहा, वाह अभी मैं क्यों रो? तो चुन्नू ने उसे समझाया कि देख, तू अगर रोएगा तो लोग समझेंगे कि तू अपने माँ बाप से बिछड़ गया है और वो तुझे आइसक्रीम ला कर देंगे। मैं तो भाई रोज इसी तरह आइसक्रीम खाता हूँ। अरे संदीप, रवि तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? अब आपकी तबीयत कैसी है दीदी? अच्छा, तो तुम लोग अपनी बीमार दीदी को देखने आए हो? हाँ, पर आप तो बिल्कुल बीमारी नहीं लगती। अरे ये तो ऐसी बीमारी है जो तुझे एग्जाम के टाइम होती है। चुप अंकल। अंकल 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 अंकल, आप कहाँ थे? अंकल आपके पैरों में क्या हुआ है? अंकल ये वाली कुर्सी किसकी है? अंकल आप यहाँ रहते हैं? साइलेंस प्लीज, साइलेंस। अब बताइए आप लोग कौन हैं? आप हमें भूल गए अंकल, हम खंडाला गए थे। खंडाला? वो कहाँ है, मैं तो कभी गया नहीं। आप नहीं गए थे? कभी नहीं। आप इसलिए झूठ बोल रहे कि सच बोलने पर मार पड़ेगी? मैं क्यों झूठ बोलूं? हाँ? अंकल भूल गए हैं, इन्हें गाना सुनाओ तो याद आ जाएगा। हाँ, सुनाओ। चुका है अनु। क्या हुआ बेटी? फिर मैंने पेपर में पढ़ा कि वो मर चुका है, पर मैं उसे भुला नहीं सकी। ऐसा लगता है हर एक चीज ने उसे याद दिलाने की सौगंध खा रखी हो। आप जब सामने होते हैं तो यही लगता है कि वो। ओ गॉड, आप उससे इतना प्यार करती थी, फिर आपने उसे मरने क्यों दिया? मेरा मतलब है, आपने उसे जाने क्यों दिया? अगर आप उसे रोक लेती तो शायद आज वो यहाँ मेरी जगह बैठा होता। वो चोर था प्रशांत, चोर। आप चाहती तो उसे बदल सकती थी, कोई चोर पैदा तो नहीं होता। प्रशांत प्रशांत, मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ, उसे भूल जाना चाहती हूँ। तुम्हें वो आदमी याद है राजू, जिसे पकड़ने के लिए तुमने बीच पर गोलियां चलाई थी और फिर वो समंदर में कूद गया था? उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ? अनु उसे जानती थी राजू, उसे प्यार करती थी। तुमसे किसने कहा? अनु ने? कमाल तो यही है, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, प्रशांत से बातें कर रही थी। प्रशांत से? कहाँ जा रही हैं आप? स्कूल। आजकल घर में जी नहीं लगता। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। थैंक यू। जा रहे हैं?
मेरे स्कूल का रास्ता तो वो है। ऑफिस जा रहे हैं। ऑफिस? मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। कैसी बातें? एक चोर के बारे में। आखिरी मुलाकात थी? नहीं। फिर? जब एक चोर है ये मुझे उस दिन मालूम हुआ जिस दिन फायरिंग शुरू हुई। फिर कभी नहीं मिला? वो फिर आया था। कब? उसी रात। बीच पर? नहीं नहीं, घर पर। फिर कभी दिखाई नहीं दिया? नहीं। ऐसा कोई आदमी है जिसकी शक्ल जेरी से मिलती हो? बोलो, चुप क्यों? बोलती क्यों रही? मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें सब मालूम है लेकिन तुम छुपा रही हो। नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। For God's sake, मुझे कुछ नहीं मालूम। वो एक घाट के एक्सीडेंट में मर चुका है। अनु, I'm extremely sorry, लेकिन तुम मेरी मजबूरी समझो। मैं उस आदमी का पता लगाना चाहता हूँ, कौन है, कहाँ रहता है। प्लीज अनु, हेल्प मी। कौन है वो आदमी जिसकी शक्ल जेरी से मिलती है? बताओ। प्रशांत। हाँ, उसकी शक्ल प्रशांत से मिलती है। प्रशांत से? मैं जानता हूं तुम्हें अपने दोस्त की हालत देखकर बहुत तकलीफ होती होगी, लेकिन क्या किया जा सकता है? क्यों, कुछ नहीं किया जा सकता है। पिछले 2 सालों में ऐसी कोई दवा नहीं निकली, कोई इलाज नहीं निकला जिससे मेरा दोस्त ठीक हो सकता है। नहीं राज बाबू, अगर ऐसा होता तो मैं खुद ही बता देता। डॉक्टर, मैंने बहुत से फलीज के मरीजों को देखा है। शरीर के जिस हिस्से में फलीज का असर होता है उस हिस्से की शक्ल बदल जाती है, लेकिन मेरे दोस्त के पांव बिल्कुल देखने में बिल्कुल ठीक लगते हैं। जी हाँ, उसकी वजह यह है राजबाबू कि प्रशांत का शरीर बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्सीडेंट से उसके दिमाग पर चोट लगने की वजह से कुछ ऐसे नर्व जख्मी हो गए कि जिनका संबंध पैरों से होता है। इसका मतलब यह हुआ डॉक्टर कि अब प्रशांत कभी ठीक नहीं हो सकता है। मुझे लगता है तुम्हारे मन में कुछ और है। तुम सवाल कुछ और कर रहे हो, जानना कुछ और चाहते हो। कहीं तुम्हारे मन में यह शक तो नहीं है कि वो ठीक है और ढोंग कर रहा है? नहीं डॉक्टर, प्रशांत मेरा दोस्त है, उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। और सोचना भी मत। घुटने से नीचे उसके पैरों में कोई जान नहीं है। अगर वो काट भी दिए जाएं, तो खून निकलेगा मगर पता नहीं चलेगा। 1, 2, 3, 4 सीढ़ी पर चढ़ गई। मौसी, 4 नहीं 3, ये देखो सांप खा गया आगे नीचे। क्या कर रही है? 4 आया है, सीढ़ी पर जाएगी। मौसी 3। 4, 4। मौसी, अगर 3 की बजाय 4 होना तुम्हारी कसम चश्मा लगवा लूंगी। हाँ बेटा, तुम बताओ 3 है या 4? 7। 7? कैसे? 3 और 4 7। चल हट, मजाक करता है। ये लड़की हमसे बेईमानी करती है। मौसी, मैं बेईमानी कर रही हूँ? और नहीं तो? खामोश, पुलिस आ रही है। पुलिस? अच्छा हुआ यार तू आ गया, यहाँ तो फसाद होने वाला था। मौसी सीढ़ी चढ़ते हुए पकड़ी गई। वाह, मैं कब पकड़ी जाऊंगी? मेरा तो 4 आया। मौसी 3। अरे तू बहुत गड़बड़ करती है, 4 आया। देखना प्रशांत, मैं डॉक्टर कपूर से मिलके आ रहा हूँ। डॉक्टर कपूर? वो यहाँ क्या कर रहा है? उसने यहाँ भी एक नर्सिंग होम खोला है। कह रहा था कि बेचारे प्रशांत का बड़ा दुख होता है, वो अब कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकेगा। यार ये बात मुझसे 50 दफा कह चुका है, मैं पूछता हूँ इसमें दुख की क्या बात है? यार पाँव नहीं, पहिए तो हैं। नहीं प्रशांत, मैं जब भी तुझे इस हालत में देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इसके जिम्मेदार मैं हूँ। क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता कि तुझे इस कुर्सी से छुटकारा दिलवा दूँ? क्यों बेकार परेशान होता है? अरे जब मैंने अपने लंगड़ेपन को कबूल कर लिया है तू भी कर ले। नहीं, मैं नहीं देख सकता। मैं तुझे जिंदगी भर इस कुर्सी को घसीटते हुए नहीं देख सकता। देख प्रशांत, डॉक्टर कपूर का कहना है अगर तू किसी भी तरह अपने पैरों पर जरा सा भी दर्द फील करना शुरू कर दे तो तेरा इलाज हो सकता है। मेरे पांव मेरे शरीर का हिस्सा जरूर है राजू, लेकिन मेरे नहीं। उन्हें मेरा कोई दुख कोई दर्द महसूस नहीं। तुम्हें दर्द महसूस करना होगा प्रशांत, महसूस करना होगा। अगर दर्द ही तुम्हारा इलाज है तो तुम्हें दर्द होगा, तुम्हें दर्द होगा प्रशांत, दर्द होगा, 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 होगा। Thank you.
तो तुझे यकीन हो गया ना, मेरे पाँव में कोई जान नहीं है। I'm sorry, प्रशांत। I'm sorry. तबियत है बेटा? अरे मैं बीमार कब था, मैं तो अच्छा भला हूँ। कल रात उस राजू के बच्चे ने जो तुम्हारे साथ किया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगी। हाँ हाँ बिल्कुल माफ नहीं करना, कभी माफ नहीं करना। ऐसे नालायकों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ और नहीं तो क्या, मैं उससे बात भी नहीं करूँगी। अरे बात नहीं करने से क्या होगा, ऐसे पुलिस वालों को तो बंद करा देना चाहिए। बंद कहाँ बंद करवा दूँ, शादी के बंधन में। सच कहता हूँ मौसी, राजू की शादी नहीं हुई ना तो हम गरीबों पर इसी तरह जुल्म करता रहेगा। अरे मैं तो कहता हूँ फौरन शादी करवा दीजिए उसकी। अरे करने को तो मैं कल ही करवा दूँ, लेकिन कोई लड़की भी तो मिला। इसके लिए लड़की ढूंढी जा रही मौसी, इनके लिए? नहीं नहीं राजू के लिए। राजू के लिए? हाँ बेटा तू क्या कह रहा था, कौन सी लड़की है? अब क्या बताना मौसी, देख लीजिए। क्या देख लूँ? अरे आपके सामने तो बैठी है। ये तो अपनी कविता है। अरे लड़की भी तो है, राजू इसे बहुत चाहता है। अच्छा, और ये भी राजू को बहुत चाहती है। अब जल्दी से अनु से बात करके फौरन इनकी शादी करा दीजिए। लगे रे मेहंदी सज गए दुल्हनिया,
ये पुलिस वालों की नौकरी भी कितनी बकवास होती है। एक 5 दिन की छुट्टी नहीं मिलती हनीमून पे जाने के लिए। देखो शक्ल कितनी उतरी हुई है। चलो इसी बात पे एक बिस्किट खा लो। नमस्ते जी। हेलो प्रशांत, हाउ आर यू? फाइन डॉक्टर साहब, आइए बैठिए। थैंक यू। मैं जानता हूं तुम मुझे देखकर खुश क्यों नहीं हुए। मैंने तुम्हारे पर तरह तरह के तजुर्बे करके बहुत सताया है ना। आप कोई नया तजुर्बा करने आए हैं क्या? हाँ, कल ही एक नई दवा आई है। रिपोर्ट यह है कि फालिज कैसा भी हो इस नई दवा से ठीक हो सकता है। तो मैंने सोचा कि मेरे पास तुमसे ज्यादा डिजर्विंग केस कोई और है ही नहीं। डॉक्टर साहब, क्या इस नई दवा से प्रशांत चलने लगेगा? इसीलिए तो लेने आया हूँ। मैं नहीं जाऊंगा। बस बस बात न बना, डॉक्टर साहब के साथ जा। हाँ। मेरा इलाज हो ही नहीं सकता। ट्राई करने में क्या बुराई है, जाओ ना। प्लीज चलिए। थैंक यू डॉक्टर, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। मुझे यहाँ क्यों लाया गया? जेरी, अगर मेरी जगह कोई और होता तो फौरन यकीन कर लेता कि तुम सचमुच अपाहिज हो। तुम भी यकीन कर लो मैं सचमुच अपाहिज हूँ। मैं कैसे यकीन कर लूँ? ये ढोंग तो तुमने पुलिस के लिए रचा है। लेकिन मुझे हमेशा के लिए इस कुर्सी पर बिठाने वाले तो तुम ही हो। बेवकूफ हो जैसी बातें मत करो जेरी, ये तुम्हारा ही आइडिया था। क्योंकि तुम अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त को ये शक नहीं होने देना चाहते थे जो हीरो की चोर की तलाश में था। तुमने अपने मामूली एक्सीडेंट को बहाना बनाकर टांगे बेकार हो जाने का प्लान बनाया था और तुम्हारे ही कहने में आकर मैंने लाखों खर्च करके ये एक्सपर्ट से कहलवा दिया था कि तुम्हारे दिमाग में चोट लग जाने की वजह से तुम कभी चल नहीं सकोगे। उस वक्त तुमने मेरा एहसान माना था और आज तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी ढोंगबाजी का जिम्मेदार मैं हूँ। जब राज को मेरा केस दिया गया था तो मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं तुम्हारे साथ काम करना नहीं चाहता, लेकिन तुम नहीं माने, इसलिए मुझे इस कुर्सी का सहारा लेना पड़ा। अगर उस वक्त तुम मान लेते। कैसे मान लेता? मैं एक बिजनेसमैन हूँ जेरी, और कोई अच्छा बिजनेसमैन अपनी इस दुकान को बंद नहीं करता जहां से उसे लाखों की आमदनी हो रही हो। तो मैं तुम्हारे लिए आमदनी के जरिए से ज्यादा कुछ नहीं था? अरे क्या बात करते हो। अरे भाई तू तो मेरा पार्टनर है, हम दोनों ने मिलकर लाखों रुपए कमाए हैं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि उन लाखों में कुछ माल और बढ़ जाए। राणा, तुमने आज तक जो कुछ मुझे दिया है उसी तरह रखा है। वो सारी रकम मैं तुम्हें दे दूंगा तो तुम सिर्फ इतना भूल जाओ कि प्रशांत का दूसरा नाम जेरी है। कमाल है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े बड़े खतरों को खिलौना समझ कर खेलने वाला जेरी एक मामूली पुलिस ऑफिसर से डर जाएगा। ये पुलिस का डर नहीं है राणा, इस बात का खौफ है कि कहीं जो चीज मुझे जिंदगी में पहली बार मिली है वो मुझसे छिन ना जाए। जिंदगी में पहली बार मुझे अपनापन मिला, वो सपने मिले हैं प्यार के सपने, एक सीधी सादी घरेलू जिंदगी के सपने। मैं अपाहिज बनकर उम्र भर अपने आप को धकेल सकता हूं लेकिन अनु को नहीं छोड़ सकता। अनु? हाँ अनु, वो लड़की जो जेरी से नहीं लाखों की दौलत से नहीं एक अपंग प्रशांत से प्यार करती है। मैं उसके भरोसे को धोखा नहीं दे सकता राणा, अब मैं कभी चोरी नहीं कर सकता, कभी नहीं। देखो ब्रदर, सिर्फ एक बार, आखिरी बार, पुरानी दोस्ती की खातिर। देखो सूरजमुखी हीरे की एग्जीबिशन लग रही है, बस एक बार वो हीरा हमारे हाथ में लग जाए तो बस उसके नहीं राणा नहीं, वो चोर जेरी था जो मर चुका है, ये प्रशांत है जो अपाहिज है।
मौसी, मौसी इतनी देर हो गई, अनु और कविता मार्केट से वापस आए नहीं। अरे आज तुझे हो क्या गया है, 10 मिनट में 3 बार पूछ चुका है, वो कोई बच्ची थोड़ी है जो कहीं गुम हो जाएंगी, आती होंगी। सुनो तुम यहीं खड़े रहना और कोई आ जाना पाए। सर मेरे साथ आइए, आपको कुछ सुनाना है। चलो आइए। आपने ऑर्डर दिया कि राणा पे नजर रखो, मैंने फौरन उसके तार के साथ अपना तार जोड़ दिया, लेकिन कोई खास बात नहीं हुई। सर कभी लड़कियों की, कभी होटल की, कभी घोड़ों की, लेकिन सर कल तो इतनी गंदी बात की कि छोटेलाल, मैंने तुम्हें ये सब बातें पता करने के लिए कहा था। सॉरी सर, सॉरी, लेकिन आज तो उसने कमाल कर दिया। सर आपके घर फोन किया। मेरे घर? जी, तार से तार जोड़ने का यही तो फायदा होता है। सुन लीजिए। हेलो, क्या मैं प्रशांत से बात कर सकता हूँ? प्रशांत बुलाती हूँ। थैंक यू। प्रशांत तुम्हारा टेलीफोन है। मेरा? कौन है? पता नहीं। हेलो। हाय प्रशांत, कैसे हो? कौन बोल रहे हैं? क्या ब्रदर, अब आवाज भी नहीं पहचानते? जी नहीं, आप कौन साहब हैं? मैं राणा बोल रहा हूँ। मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता। कम ऑन, मजाक बंद करो, मैंने बड़े जरूरी काम से फोन किया है। तुमने हीरे की एग्जीबिशन के बारे में तो पढ़ ही लिया होगा। मेरी समझ में आपकी कोई बात नहीं आ रही, आपको कौन सा नंबर चाहिए? नंबर तो यही चाहिए प्रशांत, यहाँ भी जॉली खेलना बंद करो। अगर तुम मेरा साथ छोड़ना चाहते हो तो जरूर छोड़ सकते हो, लेकिन इस डायमंड एग्जीबिशन हो जाने के बाद। पता नहीं आप क्या बकवास कर रहे हैं। प्रशांत, हेलो प्रशांत, यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें देख लूंगा। क्या रॉन्ग कनेक्शन लगा था सर? कनेक्शन तो बिल्कुल सही लगा था छोटे लाल, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया था। तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी अन्नू बिल्कुल सही सलामत है। जाओ मिल लो। जाओ। तुम चल सकते हो? ये कैसे हो सकता है? अफ, दुनिया में क्या नहीं हो सकता है। जब जेरी प्रशांत बन सकता है तो क्या एक लंगड़ा चल नहीं सकता है? प्रशांत, जेरी, तुम वही चोर हो जो हाँ, मैं वही चोर, वो मशहूर चोर जिसके नाम से अंगूठियों में लगे हीरे भी कांपने लगते थे। मैंने आज तक इस आदमी के लिए लाखों के हीरे चुराए हैं और मुझे कोई पकड़ नहीं सका। मक्कार! नहीं अनु, इंसान जो कुछ होता है उसे हालात बना देते हैं। इस आदमी ने मुझे दौलत और आजाद जिंदगी का सपना दिखाकर चोर बना दिया था। तुमने भरोसा, प्यार, इज्जत से जीने की आरजू देकर मुझे शरीफ आदमी बना दिया। मैं चोर था, अनु हूं नहीं, मैं तो प्रशांत हूं जिसके पांव नहीं है, जो तुम्हारे सहारे के बिना एक कदम भी नहीं चल सकता। चुप हो जा धोखेबाज। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा था अनु, मैं तो तुम्हारे लिए जिंदगी भर अपाहिज बना रहता, मगर इस आदमी ने तुम्हें यहां लाकर मुझे मजबूर कर दिया। अरे भाई, ये सीन बड़ा इमोशनल भी है और मजेदार भी, लेकिन वो जो एग्जीबिशन है वो सलाह सिर्फ एक ही दिन के लिए है और मुझे सूरजमुखी हीरा किसी भी कीमत पर चाहिए। और आज तुम्हारा इमोशनल सीन वो फिर कभी कर लेंगे। हराम ज़ादे। ची ची ची। गालियां तुम्हारे मुंह पर शोभा नहीं देती हैं, बड़े बस जुबान हो गए हो।
सुना, अगर आज शाम तक मुझे सूरजमुखी नहीं मिला तो ये दोनों लड़कियां आरती पर रखने के काबिल नहीं रहेंगी। राना मैं तुझे मैं क्या कर सकता हूं अभी बताता हूं। की तो इन लड़कियों के चेहरे ऐसे बिगाड़ दूंगा कि इंसान तो क्या शैतान भी घबरा जाएगा। ठीक है, सूरजमुखी हीरा तुम्हारे पास होगा। ये हुई ना कोई बात, ए छोड़ दो। ये रहा वो नक्शा जो तुम्हें सूरजमुखी हीरे तक ले जाएगा, और ये रहा वो ट्रांसमीटर एग्जीबिशन सिक्योरिटी की एक एक मिनट की खबर तुम्हें इससे मिलती रहेगी। ओके, कम ऑन, गुड लक। प्रशांत, प्रशांत क्या बात है बेटे? प्रशांत कहाँ है माँ? प्रशांत, अरे यहीं कहीं होगा, बेचारे का पांव नहीं है तो जाएगा कहाँ? यहीं कहीं नहीं माँ, वो घर पर ही नहीं होगा। यस सर। कौन पांडे? जब तक मैं वहां नहीं पहुंचूं कोई अंदर नहीं जा पाए। एग्जीबिशन खोलने का समय हो गया है, बहुत भीड़ जमा हो चुकी है। जैसे मैं कहता हूं वैसे ही करो, एग्जीबिशन का गेट मेरे पहुंचने के बाद खुलेगा, समझे? अंदर कोई गया तो नहीं? कोई नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं आया। मेरी इजाजत बगैर अंदर कोई जा ना पाए। यस सर, हम भी नहीं। सर राज, इज एवरीथिंग ओके? यस सर, आप अपने आप देख लीजिए, आइए आइए सर, वो देखिए सर, जिस हॉल में हम खड़े हैं वहां एक ही दरवाजा है, इसलिए कोई भी सिक्योरिटी चेक के बगैर ना अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है, और इस बिल्डिंग को चारों तरफ से जवानों ने घेर रखा है, इसलिए दरवाजा तोड़कर अंदर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और सर, डायमंड हॉल तक पहुंचने के लिए आइए सर आपको दिखाऊं। इस कॉरिडोर में इलेक्ट्रॉनिक बीम्स हैं, जाने अनजाने में कोई भी चीज यहां से गुजरेगी तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। आइए सर, ये मेटल गेट है, छुइए मत सर, इसमें हेवी इलेक्ट्रिक करंट है। कम सर, ये रहा वो डायमंड, इसे जिस टेबल पर रखा गया है, इस टेबल को छूते ही एक साथ दो काम होते हैं, एक तो अलार्म बजना शुरू हो जाता है और दूसरा ये गेट ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। रियली? यस सर, यू कैन ट्राई इट। ओके, वेरी गुड, नाइस अरेंजमेंट, थैंक यू। आप लोग सब अपनी अपनी जगह पे चले जाइए, हम ऐसी टेस्ट कर रहे थे। और छोटे लाल, स्विच ऑफ द अलार्म। यस सर। अब देखता हूं मेरे दोस्त यहां के कैसे वापस जाता है। तुम्हारा दोस्त? यस सर, वही ज्वेल थीफ। ज्वेल थीफ का भूत तुम्हारे सर से अभी तक नहीं उतरा? भूत होता तो उतर जाता सर। हाँ, we'll be right back.
गार्ड जी साहब, दरवाजा खोल दो। सुबह से कुछ नहीं खाया, चाय तो पी लीजिए। थैंक यू, सब ठीक है ना भार? यस सर। Thank you.
शांत, आज तुम्हारी असलियत का नकाब उतर गया है और मेरा शक यकीन में बदल गया है। मैं जानता हूं राज, मैंने आज तक तुम्हें धोखे में रखा, लेकिन मेरा यकीन मानो, आज मैं जो कुछ कर रहा हूं वो धोखा नहीं, मजबूरी है। चोरी आदत हुआ करती है प्रशांत, मजबूरी नहीं। मैं ठीक कह रहा हूं राज, अगर अनु और कविता की, मत लो ये पवित्र नाम अपनी गंदी जबान से। ये वक्त ताने देने का नहीं है राज, मेरी बात सुनो। अनु और कविता की जान खतरे में है। अनु और कविता की जान खतरे में है, क्या पैंतरा सोचा है? मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूं। जिंदगी भर झूठ बोलने वाला मक्कार अपने अंजाम को सामने देखकर सच बोलने लगा है। पकड़ो इसे, अपनी बंदूकें नीचे करो, वरना इसी मौत के जिम्मेदार तुम लोग हो गए। प्रशांत, क्यों अपने जुर्म और संगीन कर रहे हो? अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कानून के हवाले तो मैं बाद में करूंगा। कम ऑन, मूव। अपने हथियार फेंक दो, चलो अंदर। कम ऑन, मूव। राज, मैं तुझे भी अंदर बंद कर सकता था। अगर मुझे डायमंड चुराकर यहां से भागना होता तो इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलता, लेकिन मुझे डायमंड नहीं चाहिए मेरे दोस्त। राज, राज तुझे हमारी दोस्ती का वास्ता। मत ले अपनी गंदी जबान से दोस्ती का नाम। प्लीज राज, इस बार आखिरी बार मेरी बात का यकीन कर ले। राज, मेरी बात का यकीन। मैं कहता हूं मेरी बात का यकीन कर। जा रहा हूं राज, अगर 3 घंटों के अंदर मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचा तो अनु, कविता, हम तीनों की लाशें राणा के चांदी वाले अड्डे से उठवा लेना। प्रशांत, प्रशांत, कंग्रेचुलेशंस, मुझे सब खबर मिल चुकी है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी चोरी की है और दुनिया का सबसे कीमती हीरा सूरजमुखी अब हमारे पास आए। हमारे पास नहीं, मेरे पास। मतलब? मतलब तो ना समझ पूछते हैं, तुम्हें तो समझ जाना चाहिए। ओह, ऐसे तो तुम सौदा करना चाहते हो, लेकिन भाई सौदा तो मैं कर चुका हूँ। सूरजमुखी हीरा मेरा, अन्नु और कविता की जिंदगी तुम्हारी। तुम्हारी जबान की कोई कीमत नहीं राना, बदल भी सकती है। इसलिए सूरजमुखी तुम्हें उस वक्त मिलेगा जब ये दोनों घर पहुंचेंगे। ओह, इसकी क्या गारंटी है कि लड़कियों को छोड़ देने पर तुम सूरजमुखी हीरा मुझे दे दोगे? तुम्हारे पास क्या गारंटी है कि हीरा मिल जाने पर तुम लड़कियों को छोड़ दोगे? यार जेरी, तुमने तो मुझे अपना कायल कर दिया। मेरा कहना मानो, ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़ो, एक क्या हजारों लड़कियों की लाइन लगा दूंगा। नो थैंक यू, मुझे एक ही लड़की मिल जाए तो मेरे लिए बहुत है। पहाड़ा सिंह, लड़कियों को छोड़ दो। जरे, हीरा कहाँ? इतनी जल्दी नहीं, पहले लड़कियां बाहर जाएंगी और इस बीच अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो मैं इस हीरे को जमीन पर पटक दूंगा और तुम्हारी करोड़ों की चीज हजारों की भी नहीं रह जाएगी। नहीं जरी, नहीं। अनु, कविता, तुम दोनों बाहर जाओ, बाहर एक जीप खड़ी है, तुम दोनों निकल जाना, मैं आता हूं। प्रशांत, तुमने हमारे लिए नहीं, अनु, ये आंसू मेरी अमानत है, ये सिर्फ मेरे कंधों पर गिर सकते हैं और कहीं नहीं। राज कहाँ है? तुम फिक्र मत करो, मैंने उसे कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उसे वहां। प्रशांत!